CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 3 की ध्वनि शाला में। इब्तदाई उर्दू जमात 3 सबक सारी दुनिया के मालिक। बच्चों, आज हम एक नज्म पढ़ेंगे। ये नज्म बहुत ही आसान नज्म है और इस नज्म में दुनिया का जो मालिक है, जो ज़मीन आसमान समंदर सब चीज़ों का जो मालिक है, ये नज्म जो है उसी की तारीफ में कही गई है। ये नज्म मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है, जिनकी पैदाइश पानीपत में हुई। मौलाना हाली मिर्ज़ा गालिब के बड़े परस्तारों में से थे, यानी उनका जो ज़माना है वो 19वीं सदी का है और गालिब के इंतकाल के बाद मौलाना हाली लाहौर चले गए और वहाँ पर मुलाजमत इख्तियार कर ली। वहीं लाहौर में उन्होंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जो उर्दू का एक और बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ मिलकर उर्दू में जदीद नज़्म की बुनियाद डाली। मौलाना हाली बड़े शायर तो थे ही, इनके अलावा वो नाक़िद यानी तनकीद निगार, सवानह निगार और साहिब तर्ज इंशा परदाज भी थे। उनकी एक बहुत ही मशहूर नज़्म है, जो तवील नज़्म है, मद्दो जज़र इस्लाम, जिसे हम मुसद्दसे हाली भी कहते हैं। इनके अलावा मिर्ज़ा गालिब की उन्होंने सवानह लिखी यादगार गालिब के नाम से, सर सैयद की सवानह लिखी हयात जावेद के नाम से, ये बहुत ही मशहूर किताबें हैं। इनके अलावा और भी कई किताबें इनकी हैं, मुकदमे शेर व शायरी वगैरह। शायरी में उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो शायरी के अखलाकी और इस्लाही पहलुओं पर बड़ा जोर देते। इस नज़्म में भी जो है उन्होंने खुदा की तारीफ बयान की है, और आप जानते हैं कि वो नज़्म जिसमें खुदा की तारीफ बयान की जाए उस नज़्म को हम्द कहते हैं। हम्द के माने भी तारीफ के, तारीफ करना। तो इस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है। आइए पहले नज़्म को पढ़ते हैं। ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, नाव जगत की खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले, जोत है तेरी जल और थल में, बास है तेरी फूल और फल में, हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास और घर दूर है तेरा, तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला, बेआसों की आस तू ही है, जागते सोते पास तू ही है, सोच में दिल बहलाने वाले, बिपता में काम आने वाले, हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए, तू ही डुबोए तू ही तिराए, तू ही बेड़ा पार लगाए। है ना बहुत खूबसूरत नज्म और बेहद आसान। इस नज्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बेहद आसान नज्म है। कोई इस तरह की मुश्किल नहीं है जिसको समझ, या कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जहां हमें उनके मानी समझने में, उसके मफहूम समझने में कोई दुश्वारी पैदा हो। रवानी भी है, इख्तसार भी है, अल्फाज जो हैं वो बहुत ही आसान अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ख्यालात भी बहुत सादा है। ये इस नज़्म की बड़ी खूबी। एक और खूबी ये है कि बग़ैर नसीहत का पैराया इख्तियार किए अख़लाक़ी तालीम का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यानी हमें ये बताया गया है कि जो हमारी दुनिया का मालिक है,
जो सारी दुनिया का मालिक है, वो क्या क्या काम अंजाम कर देता है, वो क्या क्या नेमतें अता करता है, किस तरह से वो दुनिया का सहारा बना हुआ है, और हम सब लोगों को उसकी अजमत का एतराफ करना चाहिए। और इस नज़्म में भी वही अल्लाह की अजमत का एतराफ मौजूद है। पहले ही जो शेर है वो देखिए, ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक। प्रजा यानी आम लोग, अवाम जो होती है, और राजा जो इक्तदार पर काबिज होता है या हुकूमत पर, जो हुकूमत का चलाने वाला होता है। तो राजा और प्रजा दोनों का वही मालिक है। सबसे अनोखे, सबसे निराले, आंख से ओझल, दिल के उजाले। यानी नजर नहीं आता है, आंख से ओझल है वो, लेकिन दिलों में उजाला पैदा करता है। सबसे अनोखा है, सबसे निराला, यानी सबसे अलग है। नाव जगत की खेने वाले, यानी ये दुनिया जो है वो एक नाव की शक्ल है, और उस नाव को जो खेने वाला है वो तू ही है। आप देखते हैं कि जिस तरह से नदी में जब नाव चलती है या नहर में नाव से सफ़र करते हैं तो उसको चलाने वाला एक मल्लाह होता है, इसीलिए उसको नाखुदा भी कहते हैं, क्योंकि वो नाव को लेकर जाता है पानी में, उसको चलाता है। तो दुनिया की नाव को चलाने वाला तो बहुत बड़ा हुआ, तो वो है जगत की नाव का चलाने वाला, या नाव जगत की खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले। यानी जब तकलीफ होती है, कोई मुसीबत होती है, कोई दर्द होता है, कोई रंज होता है, तो हम उसमें जो सहारा लेते हैं, जो मदद हासिल करते हैं, वो अल्लाह की ही होती है, वो दुनिया के मालिक की ही होती है। जोत है तेरी जल और थल में। जोत यानी रोशनी, जल यानी पानी, थल और यानी जमीन, यानी पानी में, जमीन में, हर जगह पर जो रोशनी है, जो जोत है, वो तेरी ही है। बास है तेरी, बास यानी बू यानी महक, इसी से बना है बदबू। बद माने बुरा, बू माने महक या बास। खराब जब बू होती है तो हम उसको बदबू कहते हैं, और अच्छी होती है तो खुशबू कहते हैं। तो बू यानी बास। बास है तेरी फूल और फल में, यानी फलों में जो खुशबू है वो कितनी अनोखी है, उसको नज़र नहीं आती लेकिन हम उसको महसूस करते हैं, फूलों में महसूस करते हैं उस, तो वो जो बास है वो तेरी ही है। हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास और घर दूर है तेरा। यानी हर दिलों में जो है वो तेरा ही बसेरा है, यानी हम तेरी अजमत के कायल हैं, तेरी अजमत के का एतराफ करते हैं और दिल में एहसास रखते हैं। तो मेरे दिल के अंदर जो बसेरा है वो तेरा ही बसेरा है, और तू बहुत पास है, लेकिन घर जो है वो तेरा दूर है। तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला। यानी जो अकेला होता है, जिसका कोई हिफाजत करने वाला नहीं होता है, जिसकी कोई रखवाली करने वाला नहीं होता है, उसका तू ही रखवाली करता है। उसकी रखवाली का जो जिम्मा है वो तेरा ही होता है, यानी तू उसकी हिफाजत करता है। और जब अंधेरा घर हो तो उस घर का जो उजाला होता है वो भी तेरे से ही होता है। तो कितनी अजमत वाला है तू। बेआसों की आस है तू, यानी जब सारी जगह से उम्मीदें टूट जा, आस माने उम्मीद, सारी जगह से जो आस टूट जाती है, उम्मीदें टूट जाती हैं, तो वो तेरी ही आस आखिर में काम आती है। यानी जो बेआस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, उसकी उम्मीद तू ही हुआ करती है। जाते सोते पास तू ही है, यानी चाहे हम सो रहे हों चाहे जाग रहे हों, तू हमेशा हमारे पास है, हमारे करीब है। सोच में दिल बहलाने वाले, बिपता में काम आने वाले। बिपता यानी
परेशानी, मुसीबत, सोच में दिल बहलाने, अगर हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हों दिल में, तो दिल को जो बहलाने वाला वो तू ही होता है। यानी जब तेरा ख्याल दिल में आता है तो एक सुकून हासिल होता है और दिल मेरा जो है वो बहल जाता है। उसी तरह से परेशानी में भी हमें तेरा ही सहारा होता है या तू ही हमारी मदद के लिए आता है। तो बिपता में काम आने वाले। हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए। यानी ये जो पत्ते हैं दरख्तों पर या पौधों के जो पत्ते हैं, वो अगर हिलते हैं तो तेरी ही मर्जी से, तेरी ही रजा से होता है। तेरा जब तक इशारा नहीं होता ये पत्ते भी नहीं हिलते हैं। तो पत्ते जितने भी हैं वो हिलते हैं तो तेरे ही हिलाए हुए होते हैं, और ये कलियां जो हैं वो खिलती हैं तो वो तेरी ही हुक्म से खिलती हैं या तेरी ही रजा से खिलती हैं। तू ही डिबोए, तू ही तिराए, तू ही बेड़ा पार लगाए। यानी हर एक चीज़ जो है वो तेरी मर्जी के मुताबिक है, तेरी रजा के मुताबिक है, तेरी इच्छा पर है। तू जैसा चाहता है वैसा ही दुनिया में होता है। यानी तेरी मर्जी है तो उसको डुबो दे तू, और अगर तेरी मर्जी है तो डूबते हुए को भी तू पार लगा देता है। तिराए मतलब पार लगाना या डूबते से बचाना, तो तिरा देता है। और बेड़ा पार लगाता है का मतलब कामयाबी दिला देता है। तू ही बेड़ा पार लगाए, यानी जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम में कामयाबी तेरी ही रजा से, तेरी ही मर्जी से होती है। तो देखिए पूरी नज्म में जो है वो अल्लाह ताला की अजमत बयान की गई है, उसकी शान बयान की गई है कि वो हर एक चीज़ ज़र्रे से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक, हर एक चीज़ पर जो है उसी का कब्ज़ा है, उसी की हुकूमत है। वो जिस तरह से चाहता है उससे ही सब कुछ होता है। इसलिए हम सब लोगों को उसी से ही मदद मांगनी चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए और उसकी अजमत बयान करनी चाहिए। ये पूरी नज़्म जो है वो अल्लाह ताला की अजमत का एतराफ़ करती है कि देखिए कितने कितने काम, छोटी से छोटी बातें भी, यानी पत्तों का हिलना है या कलियों का खिलना है, ये जितनी भी चीज़ें, मुसीबत है तब भी जो है वही उसी से उम्मीद होती है। जब सब चारों तरफ से आदमी मायूस हो जाता है, ना उम्मीद हो जाता है, तब अल्लाह से ही मदद मांगता है, अल्लाह से ही वो अपने भलाई की दरख्वास्त करता है या अपने हक में दुआ करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से होती हैं। इस नज़्म में वो तमाम बातें बयान की गई हैं। इसमें आपने गौर किया होगा कि बास जगह ऐसे अल्फाज आए हैं जिन पर अगर हम कहें कि उनकी ज़िद भी उसमें मौजूद है, जैसे तैरना लफ्ज़ आया है या जल लफ्ज़ आया है। जल यानी पानी को कहते हैं, थल ज़मीन, तो जल का उल्टा या मुतजाद जो है वो थल है। उसी तरह से परजा एक लफ्ज़ आया है, तो परजा और राजा, राजा और परजा दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। परजा यानी अवाम, राजा जो राज करता है, जो हुकूमत करता है, तो ये एक दूसरे की ज़िद है। तो प्रजा का मुतजाद राजा है या राजा का मुतजाद प्रजा है। जल का मुतजाद थल है, सोना लफ्ज़ आया है, सोना, तो सोना लफ्ज़ का मुतजाद होगा जागना। उसी तरह से उजाला यानी अंधेरा, इतने सारे लफ्ज़ आए हैं। तैरना, जल, दूर एक लफ्ज़ और आया है, दूर यानी बहुत दूर, हमसे करीब ना हो। तू पास और घर दूर है तेरा, यानी पास और दूर दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। दूर का उल्टा पास होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि हर शेर में ये दोनों चीज़ें किस खूबसूरती के साथ पेश की गई। यानी एक लफ्ज़
जो है मुस्बत है, दूसरा उसके ज़िद में लिया गया है। तो इस तरह से दोनों अल्फाज हमें मौजूद मिलते हैं। पहले शेर में देखिए राजा प्रजा है, दूसरे में आप आएंगे तो मौजूद भी है और ओझल भी है, दोनों चीज़ें, आँख से ओझल, दिल के उजाले। इसके अलावा आपने देखा कुछ लफ्ज़ ऐसे भी आए हैं जिसको हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे आँख से ओझल होना। आँख से ओझल होना हम मुहावरे के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, यानी जब कोई हमसे दूर हो जाता है और नज़र नहीं आता है तो हम कहते हैं कि आँख से ओझल हो गया। उसी तरह से एक और लफ्ज़ आया है, नाव जगत की खेने वाले, मतलब इस दुनिया का जो निज़ाम है वो चलाने वाला जो है वो वही खुदा वही अल्लाह है। खुदा इस दुनिया का निज़ाम चला रहा है, नाव जगत की खेने वाले। एक और लफ्ज़ है बेड़ा पार लगना, यानी बेड़ा पार लगने का मतलब है कामयाब हो जाना। जल और थल में खुदा की जोत होना, एक ये लफ्ज़ आया, यानी दुनिया में हर जगह उसी की रोशनी है। जल और थल में खुदा की जोत जलाना, जोत है तेरी जल और थल में, तेरी यानी अल्लाह या खुदा, तो तेरी ही जोत जो है यानी तेरी ही रोशनी जो है हर जगह, जल में भी और थल में भी, पानी में भी और खुश्की में भी, यानी ज़मीन रेगिस्तान, ये हर जगह जो है वो तेरी ही रोशनी होती है। तो जितनी भी बातें आई हैं वो तमाम की तमाम ताल्लुक़ रखती हैं मालिक हकीकी से, दुनिया के मालिक से, अल्लाह से, खुदा से, भगवान से। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो उसी कायनात के मालिक से ताल्लुक़ रखती हैं, उसकी ही तारीफ बयान की गई है, उसकी ही अज़मत का एतराफ़ इस नज़्म में किया गया है। ये सारी चीज़ें, दूसरी एक और चीज़ इस नज़्म में है वो ये कि नज़्म की खूबी ये होती है कि किसी एक मौजू को जो है पूरी तरह से बयान किया जाता है। जिस तरह से आप जो है किसी के मुतालिक जब बात करते हैं तो उसकी खूबियों का ज़िक्र करते हैं, उसकी अच्छाइयों का ज़िक्र करते हैं, उससे जो भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं उन सब का ज़िक्र करते हैं। तो नज़्म में जो इसका मौजू है वो मौजू है अल्लाह की अज़मत या अल्लाह की तारीफ़ बयान करना। इसीलिए इसका उन्वान जो है, जो टाइटल जिसको आप कहेंगे, वो है सारी दुनिया के मालिक। सारी दुनिया के मालिक कौन है? अल्लाह है या खुदा है, हम अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं, हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, रब कहते हैं, मालिक हकीकी कहते हैं। मालिक हकीकी यानी जो सब कुछ है, वह जो हकीकत है, उस पूरी हकीकत का जो है वो मालिक वही है। मालिक कायनात कहते हैं यानी पूरी जितनी कायनात है, जिसमें ज़मीन, आसमान, पानी, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सैारे हैं, जितने भी सेटेलाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, चांद, मंगल, ये तमाम जितने भी ग्रह हैं उनको मिलाकर जो कायनात बनी है, वो कायनात का मालिक भी वही है। यानी वो सारा निज़ाम ज़िंदगी का, सारा निज़ाम दुनिया का उसी से ही चलाया जा रहा है। तो इतने सारे नामों से हम उसको पुकारते हैं, और जब हम पुकारते हैं तो हम सदा देते हैं ऐ अल्लाह, ऐ दुनिया के मालिक, ऐ रब, ऐ खुदा, ऐ भगवान। तो जो ऐ का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो उसके साथ उसका मकसद ये होता है कि हम उसको पुकार रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। तो ये इस नज़्म की एक बड़ी खूबी है कि इसमें तमाम चीज़ों को जो है बहुत ही सीधे साधे अंदाज से बयान किया गया है। दूसरी चीज़ इसमें कुछ जगह पर ऐसे अल्फाज आए हैं जिस पर हम गौर कर सकते हैं, जैसे मालिक, नाव, बसेरा, घर, फूल, रखवाला। ये जो अल्फाज हैं
इनके मानी भी आप तलाश कर सकते हैं और इनको जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रखवाला, रखवाला एक लफ्ज़ है, इस रखवाले को यानी जो रखवाली करने का काम करता हो, यानी जो हिफाजत करता हो, जो चीज़ों को रखता हो यानी हिफाजत से रखता हो, तो वो रखवाला कहते हैं। तो इस रखवाले के लिए आप इसे जुमला बना सकते हैं, अलग अलग जुमलों में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि इस नज़्म में हर शेर में दो मिसरे जो हैं, उन दोनों मिसरे का जो आखिर का लफ्ज़ है उसकी आवाज़ देखिए एक जैसी है। जैसे मालिक निराले, दूसरे शेर में निराले उजाले, फिर आप और आगे बढ़ेंगे उसी तरह से एक लफ्ज़ आता है रखवाला उजाला। तो ये जो आखिर की आवाज़ एक जैसी होती है वो, और पूरे जो लफ्ज़ होता है उस लफ्ज़ की आवाज़ एक सी, बानी अलग होंगे लेकिन आवाज़ एक सी होगी, यानी हम आवाज़ अल्फाज होंगे लेकिन आखिर का जो हर्फ है वो एक जैसा होगा। इस तरह के जो हरूफ होते हैं या इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनको हम काफिया कहते हैं। काफिया शायरी की एक बहुत बड़ी खूबी है। जब हम बड़ी जमात में जाएंगे और इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे कि काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है, वज़न क्या होता है, बहर क्या होता है, शेर क्या होता है, मिसरा क्या होता है। और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम कोई बात नज़्म करते हैं या शेर के अंदाज़ में कहते हैं तो वो एक नज़्म का या कह सकते हैं शायरी का एक हिस्सा बनता है। मिसरा की बात अगर करें तो बहुत छोटी सी बात है कि शायरी की सबसे छोटी इकाई मिसरा कहलाती है, यानी मौजू कलाम। मौजू से मुराद ये कि ऐसा कलाम जिसको तरतीब के साथ पेश किया गया हो या जिसको हरूफ की तरतीब या अल्फाज की तरतीब इस तरह से हो कि उसमें बैलेंस कायम हो। कुछ एक तरह का निज़ाम होता है अल्फाज की तरतीब में जिसको हम कहते हैं कि सलीके के साथ जो है वो अल्फाज को तरतीब दिया जाता है, और उसकी वजह होती है कि उससे एक ख़ास रवानी पैदा हो जाती है और एक सुर का एहसास होता है। तो जब इस तरह से कोई चीज़ होती है तो उसकी जो एक छोटी सी सत्र होती है यानी पहली सत्र होती है उसको हम मिसरा कहते हैं, यानी शायरी की सबसे छोटी इकाई मिसरा कहलाती है। लेकिन जब ये एक मिसरा यानी एक मिसरे के साथ दूसरा मिसरा भी इसी तरह का मिलाया जाता है, यानी जब दो मिसरे रखे जाते हैं तो हम उसको कहते हैं शेर। शेर जो है वो दो मिसरे उसके अंदर होते हैं। मौजू कलाम की दो सत्रों यानी दो मिसरों को मिलाकर शेर बनता है। तो ये बुनियादी चीज़ है जो आप ध्यान में रखिए कि शायरी में जो शेर होता है, शेर शायरी का एक हिस्सा है क्योंकि उसमें बहुत सारे शेर होते हैं। अगर नज़्म है तो उसमें भी बहुत सारे शेर होंगे, गज़ल है तो उसमें भी कई शेर होंगे। अब गज़ल, नज़्म, कसीदा ये तमाम जो हैं वो शायरी के मुख्तलिफ हिस्से हैं या मुख्तलिफ किस्में हैं जिनको हम असनाफ कहते हैं। असनाफ जमा है सिन्फ की। तो सिन्फ जो होती है उसकी एक खूबी होती है, जिस तरह से आप चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं या दर्जा बंदी करते हैं तो उनकी कुछ खसूसियात होती हैं जिसकी बिना पर आप उनकी दर्जा बंदी करते हैं। उसी तरह से शायरी में चंद एक खसूसियात होती हैं जिसकी बिना पर हम अलग अलग असनाफ को तय करते हैं कि ये इस सिन्फ की चीज़ है, ये इस सिन्फ की चीज़ है। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आगे चलकर पढ़ेंगे। यहाँ आपने गौर किया कि इस नज़्म में आपके दो दो मिसरे करके एक एक शेर लिखा गया है। पहला शेर था ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक। आप देखिए इसमें जो पहला हिस्सा है यानी ऊपर का एक
जो सत्र है वो मिसरा है, नीचे उसके दूसरा मिसरा है, और जब ये दोनों मिसरे मिल जाते हैं तो हम कहते हैं ये एक शेर है। तो पहला शेर, ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक। दूसरा शेर देखिए, अगला शेर है जो दूसरा शेर कहलाएगा, वो है सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले। इतनी सारी चीज़ें, फिर इसी तरह से और आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरा शेर इसके बाद आता है, नाव जगत की खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले। तो ये जो चीज़ें हैं ये शायरी की बुनियादी चीज़ें, और पूरी चीज़ों को मिलाकर, इतने सारे शेरों को मिलाकर पूरी एक नज्म बनती है, यानी पूरी एक नज्म कही गई है। और इस नज्म की जो खूबी है वो ये कि इसका एक मौजू है, और वो मौजू है अल्लाह की या दुनिया के मालिक की अजमत का एतराफ़ करना, या उसकी अजमत या उसकी शान बयान करना। और इस पूरी नज्म में उसी मौजू पर बात की गई है, और उसको पेश करने के लिए अलग अलग मिसालों के ज़रिए जो है उसकी तारीफ़ बयान की गई है कि वही फूलों में भी है, फलों में भी उसकी बू है, पानी में भी है, ज़मीन पर भी है, हर दिलों में उसका बसेरा है, और सारी दुनिया की जो नाव है वो चला रहा है, अकेला होता है उसका भी रखवाला वही है, और अंधेरा घर का जो है वो उजाला भी वही है। यानी ये तमाम उसकी खूबियां हैं, जो बेआस है ना उम्मीद है उसकी भी उम्मीद वही है, जागते सोते भी वही हर वक्त मौजूद रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस रब की खूबियाँ या उस रब की शान को बयान करते, यही इस नज़्म का मौजू है जो आप इसमें पढ़ रहे हैं। अब एक मर्तबा अपने आप इस नज़्म को पढ़िए और फिर देखिए ये तमाम बातें उसमें कितनी खूबसूरती के साथ पेश की गई हैं। शुक्रिया साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वनियांकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।